हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू वीडियो और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ जो कि बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारी डिक्शनरीज का क्योंकि बेसिक्स हमें पता होने चाहिए किसी भी डेटा टाइप के बारे में तो डिक्शनरी जो बेसिकली हम जानते हैं वो की वैल्यू पेयर के नाम से जानते हैं कि जब भी डिक्शनरी की बात आती है कोई भी पूछता है हमें वट इज डिक्शनरी सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात आती है दैट इज अ पेयर ऑफ की वैल्यू यानी कि हमारे पास इसके अंदर एक की होगी और उसकी वैल्यू हो और उसी को अगर हम कंबाइन कर दें उसी के हम मल्टीपल पेयर्स बना दें तो उसे हम बोलते हैं डिक्शनरी अब डिक्शनरी जो है एक म्यूटेबल और अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स दैट एसोसिएट कीज टू वैल्यू यानी वैल्यूज जो है वो हम, हम हमारे कीज के अंदर स्टोर करते हैं और डिक्शनरी जो है म्यूटेबल और अनऑर्डर्ड कलेक्शंस की होती है म्यूटेबल मीन्स जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं और अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब है हम जो है इनकी वैल्यूज को आगे पीछे यानी कि रिप्लेस कर सकते हैं कि इस key की की वैल्यू ये हो सकती है या इस वैल्यू की की ये हो सकती है पाइथन के अंदर जितने भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं यानी कि अमंग द बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप्स देयर इज अ वर्सेटाइल टाइप ये जो है सबसे वर्सेटाइल टाइप है जो कि मल्टीपल चीजों को स्टोर करता है एक की को और एक वैल्यू को अब तक हमने जितने भी डेटा टाइप पढ़े थे हमने लिस्ट पढ़ा हमने स्ट्रिंग पढ़ा हमने टपल पढ़ा ये सब क्या करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करते हैं और मल्टीपल वैल्यूज हमें स्टोर कराने के लिए नेस्टेड 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 डेटा टाइप टाइप का यूज करना पड़ता है जैसे कि लिस्ट स्ट्रिंग टपल बट फिर भी वो एक ही की वैल्यू को स्टोर करते हैं बट अगर बात आती है डिक्शनरी की तो डिक्शनरी जो है की और वैल्यू इसके पेयर में स्टोर करता है हमारे एलिमेंट्स को हमारे डेटा को इसको हम समझेंगे हमारे एग्जाम्पल के साथ तो डिक्शनरी जो है Python के अंदर की और वैल्यू ऑफ दैट की जिसे हम बोलते हैं वैल्यू तो वैल्यू के पेयर से बनी होती है तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ सब की वैल्यू इज एज डिक्शनरी अब बात करते हैं डिक्शनरी को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं डिक्शनरी के बेसिक्स हमने पढ़ लिए बट हमें पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है सभी चीजों को प्रैक्टिकली समझना पड़ता है तो उसके लिए क्रिएटिंग ए डिक्शनरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द डेटा टाइप ऑफ डिक्शनरी टू क्रिएट ए डिक्शनरी वी नीड बट वी नीड ए की वैल्यू पेयर यानी हमें डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए की वैल्यू पेयर चाहिए जिसको हम करली ब्रेसिस के अंदर स्टोर करेंगे और सेपरेट करेंगे कोमा से उसे हम कर देंगे डिक्शनरी नेम में क्लोज तो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी नेम लिया है यहाँ पे एक सिंटेक्स देखते हैं इसका डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू जैसे हम नॉर्मल किसी भी पैरामीटर के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं और यहाँ पे डिक्शनरी का जो सिंटेक्स होता है वो स्टार्ट होता है करली ब्रेसिस से और एंड होता है करली ब्रेसिस से तो डिक्शनरी जो है करली ब्रेसिस के साथ हमेशा क्रिएट की जाती है और उसके बाद हम कोई भी की वन रखेंगे यहाँ पे उसके बाद कॉलन के साथ जो है हम इसे सेपरेट करेंगे एंड देन वैल्यू वन उस की का वैल्यू रखेंगे यानी की वन वन वैल्यू ये जो है हमारा पर्टिकुलरली एक एलिमेंट बन जाएगा हमारी क्रिएटिंग डिक्शनरी के अंदर इसी तरह हम की टू वैल्यू टू और मल्टीपल वैल्यूज को जो है मल्टीपल एलिमेंट्स को की वैल्यू के पेयर में स्टोर करा सकते हैं अब सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल है टीचर्स इज इक्वल टू और करली प्रेसेस आ गए यानी कि डिक्शनरी आ गई हमारी और डिक्शनरी आते ही हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करेंगे तो ये बेसिकली टीचर्स का डेटा है जो कि स्टोर क्या करता है नेम और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो यहाँ पे राहुल नाम के टीचर है वो हमें पाइथन पढ़ाते हैं राम नाम की एक टीचर है जो कि जावा के टीचर है और किरण नाम की एक मैम है जो कि मैथ पढ़ाती है तो इस डिक्शनरी के अंदर क्या हुआ मल्टीपल नेम और मल्टीपल सब्जेक्ट यानी दो एट्रीब्यूट दो कॉलम को हमने स्टोर कर लिया एक पर्टिकुलर वेरिएबल टीचर के अंदर और यही जो है यहाँ पे बात लिखी हुई थी अमंग द बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप्स टाइप ऑफ डेटा कॉल्ड एज डिक्शनरी यानी कि इसमें वर्सिटैलिटी है एक यूनिकनेस है कि हम मल्टीपल कॉलम्स को मल्टीपल एट्रीब्यूट को जो है सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इसी को कहते हैं हम डिक्शनरी और ये हमारा सिंपल सा सिंटेक्स था और ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल था फॉर क्रिएटिंग ए डिक्शनरी